गुड मॉर्निंग जी, अस्सलाम वालेकुम दस्तक के बाद विद साहिर। और बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत लेट आवाज खोली, बट स्टिल खुल गई आवाज, दैट्स अ गुड थिंग। बट यू गाइस लुक लवली, बहुत बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वो तमाम लोग जो मुझे इस वक्त यूएसए, यूके, कनाडा में देख रहे हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। आई नो इट्स इवनिंग नाउ, पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 11 बज चुके हैं, देख लीजिए आप। सो इट्स अ लाइव शो, यू नो कि इस वक्त जो फीड जा रही है वो लाइव जा रही है। And I really, 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 really welcome you to the show. आज का शो बहुत अच्छा होने वाला है। हमने सोचा था आपके लिए कुछ रिकॉर्डेड शोज करेंगे, बट देन अगेन यू नो दिस मेक्स इवन बेटर कि आप हमको लाइव देख रहे हैं। आई नो इस वक्त हम लोग दुबई में लाइव हैं, इस वक्त हम लोग यूके में लाइव हैं, इस वक्त हम लोग यूएसए में लाइव हैं, कनाडा में लाइव हैं, ऑस्ट्रेलिया में लाइव हैं, वेयर एवर वी आर। आप सबको मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से बहुत सारी मोहब्बतें, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी बातें हमें आपसे करनी है। आज का शो भी बहुत अच्छा है, जिसमें देखना मुझे अच्छा, आज का शो भी बहुत अच्छा है, लेकिन आई यू हैव नो आइडिया कि मुझे आज यहाँ तक आने में किस कदर मसाइल का सामना करना पड़ा है। आज एक्चुअली मेरे ड्राइवर साहब जो थे वो मेरे फादर के साथ हैं, तो उनकी आज एंजियोग्राफी होनी है, तो आई थिंक दैट्स वन थिंग दैट आई एम रियली वर्ल्ड अबाउट। प्लीज प्रे, अगर आप लोग देख रहे हैं और मुझे देख रहे हैं और आप इस वक्त ये सोच रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों लग रहा हूँ, तो उस वक्त का सबसे बड़ा रीजन ये है, माय मॉम इज नॉट वेल एंड माय फादर राइट नाउ इज एट द कारियो हॉस्पिटल, जहाँ पर उनकी एंजियोग्राफी हो रही है इस वक्त। एंड लेट्स सी हाउ इट हैपेंस, इंशाल्लाह ताला एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। बट यू नो लाइव शोज हैं, द शो मस्ट गो ऑन, द शो इज गोइंग ऑन। दैट डजंट मीन एनीथिंग, दैट जस्ट मीन्स वन थिंग, दैट यू नो व्हेन इट गेट्स टफ, टफ गेट्स गोइंग, सो दैट्स व्हाट इट इज। मैंने हमेशा एक बात कही है कि जिंदगी में जब आप कामयाब होते हैं तो उसके लिए आपको काम करना पड़ता है, और हमेशा कामयाब रहने के लिए बहुत काम करना पड़ता है, तो आपको बहुत काम करना पड़ेगा। बट यू नो आज हमारी टीम के लिए बहुत बड़ा दिन है, रीजन ये क्योंकि हमारे हम लोग लाइव जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में, यूके में, कनाडा में। आई डोंट नो कि आप मुझे कहाँ कहाँ देख रहे हैं। यूएसए के अंदर अगर आप मुझे शिकागो में देख रहे हैं, अगर आप मुझे लॉस एंजलिस में देख रहे हैं, अगर आप मुझे ह्यूस्टन में देख रहे हैं, अगर आप मुझे मायामी में देख रहे हैं, न्यूयॉर्क, न्यूजर्सी के अंदर देख रहे हैं, तो मेरी तरफ से, जियो की तरफ से, जियो एंटरटेनमेंट की तरफ से, जियो टेलीविजन नेटवर्क की तरफ से आप सबको खुश आमदेद। एंड इस वक्त तो नाइट नाइट का सीन होगा, कुछ स्टेट्स के अंदर 12 बज चुके हैं, कुछ में 12 नहीं बजे हैं, और हमारे यहाँ इस वक्त 11 बज चुके हैं, और 11 बजे का शो है ये दस्तक के बाद विद साहिर। अब से लेकर I don't know how many years you're going to watch this show दस्तक के बाद विद साहिर। हम लोगों ने ये जो आपको सेट पे थोड़ी सी लाइटिंग नजर आ रही है, ये जो डोली रखी हुई नजर आ रही है, बल्कि मैं आपको डोली दिखाई देता हूँ ना, एक जमाने में डोली हुआ करती थी, फिर उसके बाद डोली खत्म हो गई थी, फिर उसके बाद डोलियों का रिवाज दोबारा से आ गया, अब तो बहुत एलेबोरेटेड डोलीज हो गई हैं। तो ये डोली है यहाँ पर, इसको पालकी भी कहते हैं, इसके अंदर यहाँ दुल्हन सवार हुआ करती थी, नहीं मैं नहीं अंदर जा रहा, इसके अंदर यहाँ दुल्हन सवार हुआ करती थी, और इसके बाद कहार जो थे, जो डोली उठाने वाले थे उनको कहार बोला जाता है, वो कंधे पे डोली उठाया करते थे और इसके बाद दुल्हन को लेके जाया करते थे। ये पहले एक जमाने में बेतहाशा था, अब फिर आहिस्ता आहिस्ता रिवाज कम होता चला गया, अब दोबारा से एक मरतबा फिर ये रिवाज जो है ये शुरू हो गया है। अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं, कल ही मुझे बताएं, हम इंटरनेशनल कॉल अगर करना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा। अच्छा, तो इंटरनेशनल का नंबर जो है वो लगा हुआ, प्लीज गिव मी अ कॉल, प्लीज गिव मी अ कॉल, इफ यू वाचिंग द शो प्लीज गिव मी अ कॉल। मैं चाहता हूं कि ये शो थोड़ा सा डिफरेंट हो, थोड़ा सा ऐसा शो हो कि जिसमें आपको बहुत मजा आए, बहुत मजे मजे की बातें हों। अगर इस वक्त आप यूएसए, यूके, कनाडा में हैं तो आपके यहाँ रात हो चुकी है, और रात का मतलब यह है कि आपने चाय शाय बना ली होगी। कुछ स्टेट्स के अंदर सर्दी होना शुरू हो गई है, जैसे कि इलिनॉय की स्टेट है, जैसे कि यू नो आपकी ईस्टर्न स्टेट्स हैं, न्यूयॉर्क की स्टेट है, न्यूजर्सी की स्टेट है, तो इन सब में ना थोड़ी थोड़ी सी सर्दी जो है वो आ गई है। लॉस एंजलिस वगैरह जो है वो थोड़ा सा गर्म है, बट स्टिल चाय तो हमेशा इंसान इस्तेमाल कर सकता है अगर आप पाकिस्तानी हैं। और अगर उन तमाम लोगों को जो इंडियन डिसेंट के हैं या इंडियन है, मेरे हिंदुस्तानी दोस्त जो हैं, उनको मेरा मोहब्बत, तुम्हारा सलाम, बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा मोहब्बत है हमारी पूरी टीम की तरफ से। एक बात तो आप जान सकते हैं कि हमारे शो में कभी कोई ऐसी बात नहीं होगी जो आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के ना देख सकें, कभी कोई ऐसी बात नहीं होगी जो इररिस्पॉन्सिबल हो, बिकॉज इररिस्पॉन्सिबल बातें हम करते नहीं है, ऐसी कोई चीज़ करते नहीं जो फैमिली के साथ बैठ के ना देखी जाए। बहुत से सारी सिली बातें मिलेंगी जो कि मेरी तरफ से होती हैं, सो उसमें मेरी टीम का कोई दखल नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें मैं करता हूँ, और बहुत सारे कभी कभी हम आपको गाने भी सुनाया करेंगे, कुछ ऐसे गाने जो जब मैं गाता हूँ तो मैं ये एहतियात करता हूँ कि उन लोगों के गाऊँ जो अब दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि जो लोग दुनिया में हैं वो इस बात का बुरा मान सकते हैं कि तुम हमारे साथ ये मजाक क्यों कर रहे हो। सो आई थिंक दैट्स द थिंग, अनदर थिंग दैट इज गोइंग टू बी इन आवर शो।
या हमारे शो में कोई ना कोई मैसेज जरूर होता है, कोई ना कोई मैसेज जरूर होता है। ये जो सारा हमने सेटअप लगाया हुआ ना, जो शादी का सेटअप है, अभी देखिएगा, अभी हम पूरे 2-3 वीक के शादी प्रिपरेशन मनाएंगे, बड़ी लड़ियां शड़ियां लगी होंगी, डांसेस वांसेस होंगे, भंगड़े शंगड़े होंगे, ये बच्चियां जो है गाने शाने गा रही होंगी। लेकिन लेकिन जब हम शादी वीक शुरू करेंगे तो 4 दिन बिंदास हंगामा है, ऐसा हंगामा है कि इट इज अनबिलीवेबल, ऐसा हंगामा होगा। लेकिन आखिरी दिन आप उस शो को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि वो शो आपकी जिंदगी का हसीन तरीन शो बनेगा, वो शो आपकी जिंदगी का वो शो बनेगा जिसमें आप बैठ के सोचेंगे, वो शो आपकी जिंदगी का वो शो बनेगा जब आप रेफरेंस दिया करेंगे कि हाँ मैं उस तारीख का हिस्सा था। बिकॉज यू नो, और ये मैं लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, आप किसी को कॉल करके मेरी टीम से भी पूछ सकते हैं, मैंने अभी इन सबको ये बताया है कि हम ऐसा शो करने जा रहे हैं, लेकिन मैंने रिवील नहीं किया है कि हम क्या करने जा रहे हैं। लिटरली आई स्वेयर, यू नो, माई हैंड्स ऑन माई ओन स्वेयर, लिटरली मैंने ये नहीं बताया है, ये नहीं बताया कि हम क्या करने जा रहे हैं। ओनली आई नो, फर्स्ट गॉड नोज एंड देन ओनली आई नो कि हमने करना क्या है 5वें दिन। लेकिन 5वां दिन एक ऐसी तहरीक का दिन है, एक ऐसी चीज का दिन है जो आई थिंक जो मैसेज हम देना चाहते हैं, बिकॉज शादी मेरे नजदीक दो लोगों के मिलने का नाम है, दो ऐसे लोग जो ये डिसाइड करते हैं कि वो जिंदगी को गुजारना चाहते हैं। दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज डिफरेंट हो सकते हैं, दोनों के खानदान डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन दोनों का दिल एक होना चाहिए। और कहीं कहीं ऐसी शादियां भी होती हैं जहां दिल नहीं मिलते, मिजाज मिलते हैं, तो वहां पर दिल को मिलवाना चाहिए। और अगर दिल नहीं मिलता तो उसके लिए क्या किया जाए, नहीं समझे ना आप, नहीं समझेंगे। आपको इंतजार करना पड़ेगा, मेरे इस शो का इंतजार करना पड़ेगा, जो 5वें दिन का शो होगा उसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल फिक्र करने की जरूरत नहीं, अगर आप ये चाहते हैं कि आप इवन यूएसए से, यूके से, कनाडा से, जहां जहां आप मुझे देख रहे हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जिसकी शादी किसी वजह से नहीं हो सकती और आप ये चाहते हैं कि जियो उसकी शादी करवाए, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 0342-207-5142, यहां कॉल करने का नंबर होगा। आई थिंक अगर आप यूएसए से डायल करेंगे तो इट विल बी 0112-0001 यहां कॉल करने का नंबर होगा। आप अगर बाहर से इंटरनेशनली मिला रहे हैं, और अगर नेशनली मिला रहे हैं तो फिर 0342-207-5142 यहां कॉल करने का नंबर है। अच्छा, अगर आपको एसएमएस करना है, DKB लिखिए, स्पेस दीजिए और इसके बाद अपना नाम लिखिए, फिर स्पेस दीजिए, फिर अपना मैसेज लिखिए, सेंड इट टू 436। अगर आप हमें फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो www.facebook.com/sahirlodhi पर जा सकते हैं, या www.facebook.com/dkbwithsahir पे जा सकते हैं, या ट्विटर पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो www.twitter.com/sahirlodhi पे जा सकते हैं, या www.twitter.com/dkbwithsahir पे जा सकते हैं। मुझे एक छोटा सा यहां पर ब्रेक लेना है, आपने जाना कहीं नहीं है, बिकॉज अब मेहमान आना शुरू हो जाएंगे, शो बनना शुरू हो जाएगा। पहली ब्रेक मैं लेता हूं, तो नॉर्मली होता है कि हम उसमें गाने शाने करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन कहती हैं कि हम गाने नहीं कर सकते, इधर कैमरा तुम इधर कर लो, तुम सुनते क्यों नहीं हो, यहां पर कैमरा है। अच्छा, लड़कियों का क्यों बनाते तुम सारे कैमरे यहां क्यों रखते हो, मैं भी इंसान हूं, मैं भी शो कर रहा होता हूं, एक वाहिद आदमी है जो किसी की नहीं सुनता, सिर्फ यहीं नहीं पे होता कैमरा, आप जहां जहां जाएंगी मैं वहां वहां आऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, विल बी राइट बैक।